गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एनडी अनबॉक्सर की एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं जिस चीज़ की, वो तो आपने स्टार्टिंग में देख ही ली होगी। तो चलिए हम आपके आगे अपनी वीडियो आगे की शुरू करते हैं। तो आपको लग रहा होगा यहाँ पर रोशनी काफ़ी कम है, वो मैं लाइट जलाना भूल गया, तो चलिए मैं ऑन कर देता हूँ लाइट्स। गाइस, तो मैंने लाइट्स ऑन कर दी हैं। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं बोट रॉकर्स 510 की। तो आप लोग देख सकते हैं, ये आपको काफ़ी बढ़िया लुक में मिल जाता है। बाहर से देख सकते हैं कितना, मतलब अच्छा सा लग रहा है, बढ़िया सा। ये आपको काफ़ी बढ़िया गेमिंग लुक में मिल जाता है। चलिए अब इसको अनबॉक्स करके देखते हैं, ये इसकी सील। चलिए इसको काटते हैं। काट लेते हैं, कट जाए मेन चीज। खुल जा भाई मेरा, तो ये खुल चुका है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, आपको काफी बढ़िया लुक में मिल जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको चार बटन मिल जाते हैं, जिससे आप वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं, वीडियो को आगे और पीछे कर सकते हैं। तो ये आपको एक मल्टीफंक्शन बटन मिल जाता है इस साइड में, इससे आप इससे ऑन भी इसी से होता है, इस बटन से ये ऑन होता है। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा माइक मिल जाता है, दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, नॉर्मल चार्जिंग पोर्ट है, टाइप सी नहीं है। अगर टाइप सी होता तो और बढ़िया होता, लेकिन आपको इसका लुक काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लुक में मिल जाता है आपको ये। तो चलिए अब इसका साउंड टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि। चलिए गाइस इसके बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। गाइस काफ़ी चमचमाती हुई चीज़ें निकली हैं, वो मजाक कर रहे हैं इसमें, हमने लाइट लगा दी थी इसलिए वो चमक रहा था। तो चलिए हम इसको आपको अच्छे से रख के दिखाते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो चलिए आपको हमें सब टेबल पे दिखाते हैं। सो गाइस चलिए अब इसके फीचर्स भी पढ़ लेते हैं, क्या लिखे हैं इसके पीछे, फिर इसके अंदर का सामान दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है माइक्रोफोन विद वॉल्यूम कंट्रोल, प्ले म्यूजिक वायरलेसली वी मोबाइल टैबलेट, हैंड फ्री पिकअप एंड रीडायल, सॉफ्ट ईयर कप्स फॉर एक्सटेंड यूज, कंपेटेबल विद एंड्रॉयड iOS विंडोज, बिल्ट इन रिचार्जेबल बैटरीज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम में लिख के म्यूजिक प्लेबैक आपको 20 आवर्स का मिल जाता है, चार्जिंग टाइम आपको 2.5 आवर्स, जैसे 2 आवर्स में चार्ज जाता है, और स्टैंड बाय टाइम आपको अप टू 250 आवर्स मिल जाता है। तो अच्छा खासा आपको टाइम मिल जाता है। चलिए अब इस बॉक्स के अंदर देख लेते हैं हमें क्या क्या मिलता है। क्राफ्टेड फॉर योर एंटरटेनमेंट, चलिए इसके बॉक्स के अंदर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपको इसमें एक चार्जिंग केबल मिलती है और आपको ये ऑक्स केबल मिलती है। चलिए इसको भी देखते हैं, पहले देखते हैं इसके अंदर और क्या है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा पेपर वर्क, और आप देख सकते हैं ये नीचे कुछ रखा हुआ है बोर्ड का। आप देख सकते हैं पेपर वर्क ही पेपर वर्क, सामान से ज़्यादा तो पेपर वर्क निकला है इसमें, वो ही फोटो छपा हुआ बस, सामान से ज़्यादा पेपर वर्क। इससे बड़ा हेडफोन से बड़ा तो ये दे दिया इन्होंने। और अब आप देखिए नीचे भी कुछ पड़ा हुआ है, ये एक स्टिकर दिया इन्होंने, और एक चीज़ साइड में भी फंस गई है, उसको भी निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पेपर वर्क तो इन्होंने एकदम थोक के भाव दिया है, पेपर्स के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलो ये किसी और या आग में जलाने के काम आएंगे, नहीं भैया वारंटी है इसमें इसलिए जला नहीं सकते। सो गाइस पेपर वर्क ज़्यादा दिया है इन्होंने, हेडफोन से बड़ा तो ये पेपर हो जाएगा अगर मैं इसको साथ में लगा दूँ सबको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ऑक्स केबल मिलती है और एक चार्जिंग केबल मिलती है, और ऑक्स केबल आपको गोल्ड प्लेटेड मिलती है। आप देख सकते हैं एकदम असली गोल्ड लग रहा है, आप देख सकते हैं मन तो कर रहा है इसे उखाड़ लूँ, काफ़ी शाइन मार रहा है, लेकिन उखाड़ नहीं सकता ये क्योंकि प्लेटेड है, मतलब इस पर पॉलिश होगी तो ये खुरच जाएगा, तो फिर कुछ मिलना नहीं है इसका, बेकार है इसको उखाड़ना। आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है ये, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मिलती है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है आपको, और काफ़ी टाइट है ये। ये आपको चार्जिंग केबल मिल जाती है, ये भी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है, मैं बहुत अच्छी नहीं, मतलब आपको मीडियम क्वालिटी की मिल जाती है, लेकिन हाँ अच्छी है। तो चलिए हम अपनी यहाँ वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और इसको मैं अभी 5-6 घंटे यूज़ करके फिर इसका रिव्यू देता हूँ मैं आपको हेडफोन का। गाइस अब मुझे इसको यूज़ करते हुए 6 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब मैं इसका रिव्यू दे सकता हूँ कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी थी और क्या था।
तो 6 आवर तक यूज़ करने के बाद इसकी बैटरी 10% डाउन हुई है और ये अभी मतलब सही चल रहा है एकदम बढ़िया। और इसका साउंड क्वालिटी भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। और इसको आपकी ये आपको इसके एडजस्टेबल मिलते हैं, उसका आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी ईयर्स के हिसाब से बड़ा करके। और आप देख सकते हैं आपको इसके अच्छे खासे ये बड़े वाले जो फोम पैड लगे हैं इस पर, ये आपको अच्छे खासे बड़े साइज़ के मिल जाते हैं, मीडियम साइज़ के हैं, मतलब लार्ज भी नहीं कह सकता स्मॉल भी नहीं कह सकता, मीडियम साइज़ के हैं ये, तो ये आपके ईयर्स को आराम से कवर कर सकते हैं। अगर आपके ईयर्स बहुत बड़े हैं तो फिर ये जो ये आपकी ईयर्स के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो फिर उससे मतलब आप काफ़ी देर अगर यूज़ करेंगे तो कानों में दर्द हो सकता है। और मेरे तो कोई दिक्कत नहीं आई, मैंने 6 आवर्स तक यूज़ कराया इसे। और अभी आपको इसके माइक से आवाज़ आ रही है, तो फिर आप इसकी साउंड क्वालिटी मतलब वो आप इसके माइक की क्वालिटी भी देख सकते हैं कैसी आवाज़ है इसकी। और उससे पहले आपको मेरे मोबाइल से आवाज़ आ रही थी, तो फिर आप उसमें डिफरेंस भी देख सकते हैं। सो गाइस, इसकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया थी, एकदम क्लियर, आप अलग अलग मतलब इंस्ट्रूमेंट्स की भी आवाज़ सुन सकते हैं इससे जो बज रहे होते हैं म्यूज़िक में। और इसमें आपको जो धमाक है वो आपको इसके जो ये फोम के आपको पैड मिलते हैं इनमें मतलब इनमें धमक आती है, वैसे आपको नॉर्मल ईयर पे डायरेक्ट नहीं आएगी, ये जो साइड में आपकी ईयर के साइड में होते हैं तो इनमें धमक महसूस होती है, तो यहाँ पर इस जगह पे काफ़ी गुदगुदी सी महसूस होती है। तो काफ़ी बढ़िया साउंड क्वालिटी मिल जाती है आपको। आपको इसमें 50 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं, आपको 400 mAh की इसमें बैटरी मिलती है एक। और गाइस, इसको 2 आवर्स चार्ज करने के बाद आप इससे 20 आवर्स तक मतलब इस पर आप गाने वाने सुने या गेम खेलने सब कर सकते हैं, और आपको एकदम आप देख सकते हैं एकदम गेमिंग हेडफोन का लुक मिलता है आपको इसमें, एकदम गेमिंग हेडफोन जैसा है, ही गेमिंग हेडफोन ही है कि साहब। मैंने इस पर पबजी भी ट्राई करा है, अगर आपको इसके पबजी खेलते हुए भी वीडियो चाहिए तो मैं अगले एक और वीडियो डाल दूंगा, उसमें मैं इसके हिडन फीचर्स भी बताऊंगा। और इसमें आप एलेक्सा कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको, इसमें आप एलेक्सा भी यूज़ कर सकते हैं कनेक्ट करके, तो वो मैं आपको सब अगली वीडियो में बताऊंगा इसकी। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी, तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।